This आज के जो conference will सेशन now यहाँ be पे होने वाले recorded. हैं, वो सेशन में जो जो पॉइंट्स होंगे वो मैं एक बार देख लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो बारकोड टाइप कितने टाइप के होते हैं और उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, क्यूआर कोड क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पैरामीटर और सीरियल नंबर, ये तीनों चीजें हम देखेंगे एलॉन्ग विद बारकोड डिजाइनिंग। और सेकेंड सेशन में हम जो देखेंगे पैरामीटर, आइटम साइजिंग, डॉक्यूमेंट इमेज टैगिंग और सिंपल इनवाइट डिजाइनिंग, ये चार चीजें हम सेकेंड में देखेंगे 4:30 बजे के आसपास में। तो हम ये पार्ट 3 वाला चालू करते हैं, बारकोड टाइप डिजाइनिंग, क्यूआर कोड, पॉइंट ऑफ सेल, पैरामीटर और सीरियल नंबर। हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं, अभी फिर बिजी चालू कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिएगा ताकि कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे ना आए। ये कल वाली ही कंपनी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और उसी में सारे काम करते हैं। ये वाली कंपनी थी जो हमने बनाई थी कल। सबसे पहले तो बारकोड के टाइप, बारकोड सर अपना अपना माइक ना म्यूट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बारकोड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो हम समझेंगे, फिर उसमें फिर बारकोड का डिजाइनिंग भी एक हम समझेंगे, बारकोड डिजाइनिंग के बाद फिर पॉइंट ऑफ सेल समझेंगे, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बारकोड अगर टाइप की बात करें तो चार टाइप के बारकोड की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक सिंपल बारकोड जो हम LI से जनरेट करते हैं, आइटम के LI से जो जनरेट होता है उसको सिंपल बारकोड बोलते हैं। दूसरा होता है कंपोजिट बारकोड, जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करके बनते हैं। तीसरा होता है BCN नंबर। BCN के बारे में इसको नॉर्मली बोलते हैं, बारकोड नंबर ही इसका फुल फॉर्म होता है, बारकोड नंबर। चौथा बारकोड जो जनरेट किया जाता है सीरियल नंबर का। ये आपके चार टाइप के बारकोड होते हैं। अब तीनों के हम एक एक एग्जांपल दे देते हैं, कौन सी बारकोड कहाँ कहाँ पे यूज होती है वो भी मैं बता देता हूँ। आइटम LIs का जो बारकोड होता है, जो रैपर पे प्रिंटेड बारकोड होते हैं, रैपर प्रिंटेड बारकोड, जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर है या कोई सॉप है या कोई बिस्किट का पैकेट है
जिसके ऊपर रैपर पे ही बारकोड प्रिंटेड होते हैं उसको सिंपल बारकोड बोलते हैं। और उसमें भी दो टाइप के बारकोड होते हैं, रैपर पे जो प्रिंटेड होता है तो वो मोस्टली एमएसएमई से रजिस्टर्ड होता है, तो वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करके फिर प्रिंट करते हैं। और उसमें ये भी पता चलता है ये प्रोडक्ट किस लोकेशन से या किस कंट्री से बिलोंग करता है, कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है, वो भी डिटेल आपको पता चल जाती है। रीजन क्या होता है कि उसमें सारे मल्टीपल कम्बिनेशन दिए होते हैं, जैसे इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट बिलोंग करता है तो 89 से स्टार्ट होगा। 89 से स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर ब्रेक के बाद फिर उसमें कंपनी का कोड आता है, ये कौन सी कंपनी का मटेरियल है, कंपनी का कोड आएगा, फिर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा। वो कुछ एक नंबर एलोकेट करेंगे, जैसे 2,500 से 3,500, तो 2,500 से 3,500 मतलब 2,500 से 3,500, मतलब इसमें गैप कितना हो गया, 1,000 का। ये 1,000 बारकोड आप यूटिलाइज कर सकते हैं बिटवीन 2,500 टू 3,500, ये आपका लुकआउट है कौन सा बारकोड नंबर आपको किसको एलोकेट करना है। ये तो हो गया जो एमएसएमई से रजिस्टर्ड बारकोड होते हैं। लेकिन कुछ बारकोड ऐसे होते हैं टेम्परेरी पर्पस, जो हमारे पास मटेरियल आया हमने बारकोड स्टिक कर दिया और सेल कर दिया और वही बारकोड स्कैन करके सेल कर दिया, तो इस टाइप के बारकोड होते हैं वो टेम्परेरी बारकोड होते हैं, या फिर हमने परचेज करते वक्त लगा दिया और सेल करते तक जब तक अपने पास स्टॉक अवेलेबल है उसका तब तक वो काम का है, उसके बाद उसका काम का नहीं है। इस टाइप के बारकोड कभी कभी ऐसे होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी हम यूटिलाइज करते हैं, मैन्युफैक्चर ने बारकोड जनरेट किया और वही बारकोड किसी और के पास भी चला गया, तो वहां से भी आप स्कैन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है मल्टीपल पैरामीटर। मल्टीपल पैरामीटर में आपका लूज वेट, लूज ग्रॉसरी पकड़ लेते हैं। लूज ग्रॉसरी में क्या होता है, जैसे हम सुपरमार्केट भी जाते हैं तो लूज मटेरियल पड़ा होता है, राइस है, पल्सेज है, दाल है, चावल है, या गेहूं है, बाजरा है, सेंग दाना है, तो इस तरह से जो लूज मटेरियल पड़े रहते हैं और आप उसको इस थैली में भर के वजन करवाते हैं, वजन काटे से बारकोड निकलता है और फिर काउंटर पर वही बारकोड स्कैन हो जाता है, तो उसमें कंपोजिट बारकोड का यूटिलाइजेशन होता है। तो लूज मटेरियल जितने भी होते हैं उसके लिए हमें कंपोजिट बारकोड यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है बीसीएन नंबर। बीसीएन नंबर जो बारकोड होता है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परचेज एंड गुड्स। एक बारकोड नंबर एक बार अगर जनरेट हो गया परचेज के टाइम पे, दोबारा वो नंबर रिपीट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परचेज है। इसका जैसे वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता है, अगर कोई हमने एक ग्लास है, ग्लास 15 दिन पहले परचेज किया था, उसका बारकोड नंबर समझो 123 है और अभी परचेज किया वही ग्लास फिर से, तो उसका बारकोड नंबर आएगा 160 या कुछ डिफरेंट, प्रोडक्ट सेम है लेकिन बारकोड डिफरेंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो परचेज के बिल से भी लिंक अप रहता है, ताकि अपने को सेम मटेरियल में अगर हमारे पास सेम मटेरियल के 10 प्रोडक्ट हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट ओल्ड है या कौन सा प्रोडक्ट न्यू है, पुराना मटेरियल कौन सा है, नया मटेरियल कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बीसीएन नंबर यूज कर सकते हैं। और बीसीएन जो होता है वो बिजी में एक फीचर्स है पैरामीटर का, वो पैरामीटर के साथ में यूटिलाइज होता है, अदरवाइज बीसीएन हम यूज नहीं कर सकते हैं। बीसीएन यूज करने के लिए पैरामीटर इनेबल करना जरूरी है और मिनिमम एक पैरामीटर यूज करना भी जरूरी है।
तो ये बीसीएन पैरामीटर के लिए यूज होता है। ये जो सीरियल नंबर है ये बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं जहां पे वारंटी ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मोबाइल के सेगमेंट में एलईडी, हार्ड डिस्क, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, जितने भी प्रोडक्ट हैं वहां पे सीरियल नंबर और वारंटी ट्रैकिंग की यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब ये पांचों के हम ऑप्शन देखेंगे एक एक बार कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल बार कोड। सिंपल बार कोड बनाने के लिए जैसे हमारे पास कोई भी, हमने कल जो आइटम बनाया था यहाँ पे वही हम आइटम लेते हैं सिंपल बार कोड के लिए। हमने एक आइटम बनाया था गुड्डे बिस्किट 100। अब हमने यहाँ पे इसका बारकोड नंबर डाल दिया GD0010। ये जो है इसका बारकोड नंबर हो गया, सॉरी ये बारकोड नंबर हो गया और ये हमने सेव कर दिया। तो जो एलाइस होता है वो बारकोड नंबर हो गया। अब इसी प्रकार से एडिशनल आगे भी जितने भी बारकोड हैं आप खुद से मॉडिफाई करके डाल सकते हैं। इसका भी डालना है तो आप एंटर करके डाल सकते हैं, इसका भी डाल सकते हैं। आप कभी कभी ये बोलते हैं कि हमारे पास बारकोड नंबर है ही नहीं, मुझे नया बनाना है, मुझे नया बनाना है, मतलब मुझे खुद से बारकोड जनरेट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटो जनरेट एलाइसिस, वो अगर हम क्लिक करते हैं तो सारे बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। देखिएगा ये देखिए, अब जितने बारकोड हमने प्री डिफाइन करके पहले से डाल के रखे थे उसको ऐसे ही छोड़ देगा और बाकी में बारकोड नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 करके आ जाएगा। अब इसको अगर स्कैन करना है तो स्कैनिंग में अगर हमें पॉइंट ऑफ सेल इनेबल कर दिया, ये अभी तो हमारा सिंपल है तो हम टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कभी कभी ये भी होता है कि हमने जीडी यहाँ पे सिलेक्ट किया तो बाजू में गुड्डे बिस्किट आना चाहिए, या फिर हमने गुड्डे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका नाम आना चाहिए। तो भी कॉन्फ़िगरेशन मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है, जो हमने कल बताया था वहां पे दिया हुआ है, वहां से हम इनेबल कर सकते हैं। लेकिन कल हमने किसी और पॉइंट पे बताया था। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है नेम एंड एलाइज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। अभी वो भी हम करके दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे अगर हम जीडी डालते हैं तो ये गुड्डे बिस्किट राइट साइड में आ गया, अगर हम गुड्डे बिस्किट डालते हैं तो जीडी आ गया। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे दोनों ही नाम आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो वहां पे ये सेटिंग होती है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर। अब इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर हमें इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड अगर आपने पीओएस इनेबल नहीं किया है या फिर आपने बारकोड स्कैनिंग चालू नहीं की है तो फिर आप जो भी स्कैन करोगे वो गलत भी डिटेक्ट कर सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे 00 डाला और हमने सिलेक्ट ये कुछ और डाल दिया 0004, तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है लेकिन ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बारकोड स्कैनिंग इनेबल करना जरूरी है। तो स्टैंडर्ड में अगर आपको बारकोड स्कैनिंग इनेबल करना है तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड को यस कर देना है और क्वांटिटी को बाय डिफॉल्ट 1 कर देना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो जब भी आप सेल बिल बनाएंगे तो उस टाइम पे आपकी ड्राप डाउन लिस्ट बंद हो जाएगी यहाँ पे,
और आपको कोड डालना पड़ेगा। जो भी कोड रहेगा यहाँ पे GD4x01, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा 3x010 है, GD3x010। एंटर किया, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको स्कैन करके बारकोड स्कैन करके लेना है और सिंपल बारकोड है, तो फिर आप स्कैनिंग इनेबल कर देंगे। और स्कैनिंग करने के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्वांटिटी को 1 करना है और इसको यस करना है, ये दो चीजें आपको करनी है। अब हम इसके आगे आते हैं, अब हम इसके आगे, ये सिंपल बारकोड के लिए स्टैंडर्ड में काम करेगा। कंपोजिट बारकोड, बीसीएन नंबर, सीरियल नंबर बारकोड के लिए ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एडवांस पीओएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडवांस पीओएस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें पीओएस हमने इनेबल किया है कि नहीं किया है। ये पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ये इनेबल है ऑलरेडी, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, फिर एडवांस डेटा पीओएस इनेबल करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। ये कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद सारी चीजें नॉर्मली आप डाल दो, यहाँ पे सिस्टम डेट ले लो, सेल टाइप रिटेल है तो सब वेरिएबल ले लो, यहाँ पे वेरिएबल में फिर इंक्लूसिव ले लो, जैसे हमने कल बताया था, क्योंकि रिटेल काउंटर पे हमेशा इंक्लूसिव चलता है, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया। पार्टी के नाम पे कैश ले लो, रिटेल काउंटर मटेरियल सेंटर ले लो। यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग इनेबल करना है तो पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड को इनेबल कर दो और इसको सेटलमेंट डिटेल इनेबल करना है तो सेटलमेंट डिटेल भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन हमने पार्टी का नाम कैश ही डाला है तो ये कैश ऑटोमेटिक कैश को ही डेबिट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, काउंटर वाइज सेल होता है तो काउंटर का नाम भी मेंशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे बनाएंगे काउंटर सेल वन। अब ये काउंटर सेल वन हमने बना दिया और जो भी काउंटर सेल वन बनाएंगे तो ये संडे डेटास के अंदर में ही बनाना है आपको और इसको सेव कर देना है। ये काउंटर सेल वन बनने के बाद आपको इसको सेव कर देना है और यहाँ पे तीन ऑप्शन और भी होते हैं, स्पेसिफाई सेटलमेंट, इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल और इनेबल पोल डिस्प्ले। जो सेटलमेंट ऑप्शन होता है उसमें आपको ये पूछा जाता है कि कैश, क्रेडिट कार्ड, क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पे आप डाल देना, कैश, अगर कार्ड है यहाँ पे कार्ड, और इसको सेव कर लेना। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विथ पार्टी डेटा, तो ये तभी जरूरत पड़ती है जब हम पार्टी के नाम से बिल बनाते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमने इसको कर लिया। अगर आपको चाहिए कि जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहा है और एक ही प्रोडक्ट को तीन क्वांटिटी ले रहा है, तीनों क्वांटिटी स्कैन करने के बाद आपको लगता है कि तीनों एक साथ में क्लब होके आ जाए, तो आपको कंसोलिडेट आइटम आफ्टर सेविंग वाइल सेविंग पे यस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक क्लब हो जाएगा। फिर से हम एक बार उसी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, यहाँ पे इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल है। इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल का मतलब ये होता है सामने वाले ने कितना पैसा दिया और हमको कितना वापस देना है। जैसे 235 रुपए का बिल हुआ और सामने वाले पार्टी ने 500 रुपए का करेंसी दिया, तो 500 रुपए में हमें 235 का काट के वापस देना है, तो ये बताएगा आपको 265 आपको वापस देना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, पोल डिस्प्ले हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम सेल बिल पे क्लिक करेंगे
तो हमारी स्क्रीन इस तरह से खुल जाएगी। इस तरह से ओपन होने के बाद वही प्रोडक्ट हम गुड्डे का डाल देते हैं एक बार 10। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये 75 रुपीज़ का बिल हो गया, सेव किया। जब भी हम सेव करेंगे तो हमें लेना कितना है, 75 रुपये। अब सामने हमने बताया उसने कितने का नोट दिया, 200 रुपये का। 200 का नोट देंगे तो कैश टू बी रिटर्न 125 हमें रिटर्न देना है। सामने वाली पार्टी को 125 रुपये वापस देना है क्योंकि उसने 75 रुपये का माल लिया, 75 का मटेरियल लिया, 200 रुपये उसने दिया, तो 125 टू बी रिफंडेड। तो इस तरह से इसकी एंट्री कैश स्टैंडर्ड डिटेल की भी हो जाती है। अब हम आगे चलेंगे कंपोजिट बारकोड पे। कंपोजिट बारकोड पे हमने जैसे बताया था कि लूज मटेरियल का वेट किस तरह से उसको हम स्कैन करते हैं, किस तरह से वो करते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब एक हम मटेरियल यहां पे बना लेते हैं नया। यहां पे लिख देते हैं मोम होल। लूज ये बिकेगा आप केजी में। जीएसटी लूज मटेरियल है, एग्जेम्प्टेड हमने डाल दिया। एचएसएन वगैरह जो भी है वो डाल दिया। और यहाँ पे हमने सेल प्राइस डाल दिया, ये 113 रुपए किलो सेल होगा, 113। ये हमारा सेलिंग रेट हो गया और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे इसका एक बारकोड नंबर डालना पड़ेगा कि ये क्या बारकोड से स्कैन होगा। हमने यहाँ पे डाल दिया 11065। आपसे ये तो ये 11065 करके हमने मूंग दाल का प्रोडक्ट कोड डाल दिया। अब हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर हमें पहले समझ लेते हैं इस पॉइंट को, कंपोजिट बार कोड को, 10065 इसका प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले। ये प्रोडक्ट कोड है। दूसरा वेट आएगा, वेट हम इसमें अगर ऐड करके बताएं तो वेट हम मान के चलते हैं इसका समझो कुछ भी एक 7 किलो 530 ग्राम, इस तरह से। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं साथ में 10065, और हम ये मान के चलते हैं कोई 100 किलो से ज्यादा नहीं लेगा, तो इसको हम 07.530 कर देते हैं और इसको दोनों को अटैच कर देते हैं यहाँ पे। अब जिसका अगर बारकोड हम प्रिंट कर लें तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का नाम और वेट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो इसमें दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक था प्रोडक्ट का कोड हो गया, दूसरा प्रोडक्ट का वेट हो गया। अब हम चलते हैं बिजी में, फिर से देखते हैं इसको कैसे स्कैन करेंगे। और अभी हम ये मान के चलते हैं ये जो प्रोडक्ट का वेट और कोड है वो सुपरमार्केट में जो वेइंग स्केल होता है वहां से बारकोड का प्रिंट आउट निकल रहा है। वेइंग स्केल से ये बारकोड का प्रिंट आउट निकला हुआ है और इस बारकोड को अपने को काउंटर पे स्कैन करना है। तो हम आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, स्कैनिंग पैरामीटर यहाँ पे चेंज कर देनी है पॉइंट ऑफ सेल पे। यहाँ पे कंपोजिट बारकोड है और यहाँ पे फिक्स वेट डालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर द आइटम है
और इसमें एक नाम डाल देना है जो कंपनी का बारकोड जिस तरह से आता है। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट लेना है और यहाँ पे फिर क्वांटिटी ले लेना है आपको, और इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे केजी है तो इसके लिए हम इसमें 3 डिजिट इनेबल कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 3 ले लिया। अब जब भी हम इसको स्कैन करके बिल बनाएंगे यहाँ पे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे वही वाला बारकोड को स्कैन किया 100650.5530 और एंटर मार दिया। अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट का नाम और वजन आपके इधर यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है, तो प्रोडक्ट का नाम और वेट दोनों कंबाइन करके हमने स्कैन किया था और दोनों स्प्लिट होके ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ले लिया है, और बिल का अमाउंट भी आ गया 850.89। तो इस तरह से कंपोजिट बार कोड आप बना भी सकते हो और कंपोजिट बार स्कैन करके ले भी सकते हो। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हो। हम एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बारकोड नंबर था 1065, यहाँ पे हम कोई और वजन डालते हैं, वजन डालते हैं समझो 11 किलो 750 ग्राम। अब आप देखेंगे यहाँ पे 11750 क्वांटिटी में ऑटोमेटिक आ गया है और प्राइस भी अपडेट हो गई है वहां पे और टोटल अमाउंट भी आ गया है। इस तरह से कंपोजिट बारकोड का यूटिलाइजेशन होता है और इस तरह से आप कंपोजिट बारकोड को यूटिलाइज कर सकते हो। आगे हम चलते हैं पैरामीटर वाइज बारकोड पे। ये तो स्कैनिंग ऑफ बारकोड अभी हमने इनेबल किया था, स्कैनिंग ऑफ बारकोड था ये, लेकिन अब हम बारकोड प्रिंट कैसे करना रहता है वो हम दिखाएंगे आपको। पैरामीटर के लिए सबसे पहले हमें पैरामीटर इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे इन्वेंटरी में यहाँ पे जाएंगे, एक पैरामीटर का ऑप्शन आएगा, जैसे आप टिक करेंगे वैसे ही आपको एक विंडो खुल जाएगा और वहां पे पूछेगा आपको कितने पैरामीटर दिए। हमने यहाँ पे दो पैरामीटर डाल दिया, एक को डाल दिया कलर और दूसरे को डाल दिया साइज। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको बारकोड नंबर इनेबल करना है, हमने बोल दिया हाँ। फिर ऑटोमेटिक नंबर ही चाहिए वो भी डाल दिया, यहाँ पे हमने बोला अल्फा न्यूमरिक चाहिए या न्यूमरिक चाहिए, हमने ये बता दिया केवल न्यूमरिक चाहिए। और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना चाहिए, यहाँ पे आप मैनुअल उसके जितना चाहिए उतना रख सकते हो। अगर प्राइस आपको साइज लेवल पे रखनी है, साइज प्राइस लेवल पे साइज रखनी है, तो आप यहाँ पे साइज लेवल पे प्राइस भी रख सकते हो। अगर नहीं रखनी है तो इसको अनटिक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यह इनेबल करने के बाद हम इसमें एक परचेज की बिल डालेंगे। ट्रांजेक्शन में गए, हम परचेज की एंट्री पे गए, ऐड किया, डायरेक्ट आइटम वाइज सप्लायर वन, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोडक्ट खरीदे परचेज कर, प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, समझो न्यू प्रोडक्ट का नाम हम डालते हैं शर्ट 101
डिजाइन के साथ में ये हमने डाल दिया। इसको डालने के बाद यहाँ पे ग्रुप डिफाइन करेंगे। थर्ड, अगर हमें शर्ट में कलर और साइज पता है तो इसकी हम सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, या शर्ट में खाली साइज लेनी है, कलर नहीं लेना है तो भी हम सेट कर सकते हैं। समझो शर्ट में हमें केवल साइज ही लेनी है, कलर नहीं चाहिए। यहाँ पे वन कर दिया और यहाँ पे डाल दिया केवल साइज, और यहाँ पे डाल दिया प्री डिफाइन और ओके कर दिया। पीसेस, यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। अब जीएसटी में भी गारमेंट के सेक्शन में अगर जाते हैं तो इसमें 5 और 12 होते हैं। अगर 1000 के नीचे का आइटम है तो 5% लगेगा, और 1000 के ऊपर है तो 12% लगता है। तो उसके बेस पे भी अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी हम नया क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमने नाम डाल दिया गारमेंट गुड्स, बाय डिफॉल्ट हमने 5% डाल दिया। और इसको अगर हमारी प्राइस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 रुपीज होती है तो फिर हमने डाल दिया ये 12% यूज होगा। तो ये कैटेगरी हमने इस गारमेंट के लिए डिफाइन कर दी कि कब 5 लगेगा और कब 12 लगेगा। ये हमने सेव कर दिया और यहाँ पे यस कर सेव कर दिया। अगर आपका फिक्स प्राइस है तो हम यहाँ मास्टर में भी डाल सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हमने डाल दिया 650 के सेलिंग प्राइस है और 450 की परचेज है, MRP 799 है। अब जैसे एंटर मार के आप आगे जाएंगे उस तरह से साइज और क्वांटिटी और बारकोड ऑटोमेटिक आता रहेगा। अगर यहाँ पे साइज डालते हैं F3 करके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया समझो 38 का 5 पीस, फिर से दूसरा F3 किया 40 का 5 पीस, फिर 42 इसका 5 पीस। अब इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, टोटल 15 पीस हो गया, 450 के रेट पे था। और अगर आपको इसको इंक्लूसिव करना है तो यहाँ से इंक्लूसिव ले लो आप। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। ये तो परचेज का बिल हमने सेव कर दिया। अब हम चलेंगे इसकी बारकोड डिजाइनिंग के ऊपर। जब भी हम बारकोड डिजाइन करते हैं यहाँ पे, तो उसमें पहले हम फॉर्मेट ऐड करेंगे। क्या नाम से फॉर्मेट ऐड करना है, हमने डाल दिया बाद 20। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर्मेट जब भी करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के फॉर्मेट ऐड करने का ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप बिजी के डेटा से बारकोड प्रिंट करोगे या एक्सेल के डेटा से करोगे। तो एक्सेल के डेटा से अगर आपको प्रिंट करना है तो एक्सेल के डेटा से भी बारकोड को प्रिंट किया जा सकता है, डेटा एक्सेल से पिकअप कर लेगा। अभी हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो बिजी के डेटा पे डिस्कस करेंगे। और बिजी के डेटा पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइटम वाली, BCN और कंपोजिट 3 टाइप के ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। अब हमें केवल आइटम पे बारकोड बनाना है तो वो आइटम LI से जो बारकोड जनरेट हुआ था वो बारकोड आइटम ओनली से बनेगा। लेकिन हमें अभी BCN का बारकोड बनाना है तो हम यहाँ पे BCN सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा सीट टाइप में, एक कस्टम, ये प्रीडिफाइन। कस्टम का मतलब ये होता है साइज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और प्रीडिफाइन का मतलब ये होता है A4 साइज पे जो स्टिकर कुछ ब्रांडेड होते हैं और लगे हुए आते हैं उसको बिजी ने प्रीडिफाइन करके पहले से डाल के रखा हुआ है।
तो दोनों पे ही आप ले सकते हो। कस्टम करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और प्री डिफाइंड करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है ए फोर एस टी का मतलब होता है ए फोर सीट। उसके आगे जैसे ये वाला अगर हम देखें ए फोर एस टी 2400, तो इसका मतलब ये हो गया ए फोर सीट पे 24 स्टिकर हैं और एक पैकेट में 100 सीट है। इस तरह से मार्केट में अवेलेबल साइजेस होती है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये डिफाइन करके रखा हुआ है। अब अगर हम छोटे से छोटे स्टिकर की बात करें तो यहाँ पे 65 स्टिकर है, 84 स्टिकर भी है। सबसे छोटा वाला स्टिकर लेते हैं, 84 स्टिकर वाला। आप जैसे ही वो स्टिकर डिफाइन करोगे तो ऑटोमेटिक साइज वगैरह सब ऑटोमेटिक कॉन्फिगर होके आ जाएंगे। अब A4 सीट है तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक लाइन में कितने स्टिकर है और वर्टिकली कितने स्टिकर है। तो वर्टिकली 21 स्टिकर है, हॉरिजॉन्टली 4 स्टिकर है। अब अगर यहाँ पे कॉन्फिगर पे जाओगे तो जैसे ही कॉन्फिगर आप प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना तो कुछ लोड करके दे देगा जो जरूरत होती है। अब ये स्टिकर लंबाई चौड़ाई में थोड़ा अजीब है, तो हम यहाँ पे स्टिकर का साइज एक बार चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा तो आपको क्लियर दिखेगा भी। ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और फॉन्ट भी अगर बड़ा छोटा करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे साइज लेनी है, ये साइज आ गई। साइज में हमारा पैरामीटर 2:1 वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे MRP दी हुई है, इसको हमने ओके कर लिया। अब देखते हैं कि बारकोड एक्चुअल में प्रिंटआउट आता है या नहीं आता है। तो वही परचेज का बिल हम ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डाल देते हैं कि जब भी हम सेव करेंगे तो बारकोड प्रिंटआउट आना चाहिए। इस वाउचर को जैसे ही हम सेव करेंगे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, कलर वगैरह क्या है, वो आ जाएगा। ओके किया और यहाँ पे प्रीव्यू देख लिया। प्रीव्यू और प्रिंट दोनों ही आ जाएंगे। साइज को छोटा बड़ा अलाइनमेंट करना एक अलग पॉइंट होता है। बारकोड में एक चीज और भी चाहिए रहती है कि ये स्टिकर जो लगा है या जिस प्रोडक्ट पे लगा है वो कौन से सप्लायर का है। तो उस तरह से अगर आपको चाहिए तो फिर बिल में सप्लायर का कोड डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे ये सप्लायर है तो यहाँ पे हमने डाल दिया 01 या S1। तो S1 अगर उस पर आ जाता है तो इसका मतलब वो सप्लायर 1 का है। तो उस तरह से हम यहाँ पे कोड भी ऐड कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट किस पार्टी से बिलोंग करता है, उसको भी हम एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
इसको हमने ऊपर नीचे ले लिया। अब हमें सप्लायर का नाम डालना है, तो यहाँ से एक कंट्रोल ऐड करेंगे, वो कंट्रोल को यहाँ पे मूव करेंगे और यहाँ पे डेटा फील्ड लेंगे और यहाँ पे डालेंगे पार्टी एलाइज और इसको जो भी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लेंगे। देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या आता है। अगर यस वन लिख क्या आएगा तो ठीक है, हम वाउचर से ले लेते हैं परचेज। हमने देख लिया यहाँ पे एस वन लिख क्या आ रहा है। एक चीज लोगों को और भी चाहिए रहता है कि जो सप्लायर का प्राइस है वो भी अपने को डी को इनकोड करके दिख जाए, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कस्टमर से बार्गेनिंग करने के लिए। कस्टमर अगर बार्गेनिंग कर रहा है तो हमें ये पता चल जाता है कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ढूंढते रह जाओ कि ये प्रोडक्ट कितने में खरीदा था, इतने दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अगर उस पर्पज के लिए आपको करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो, वो भी हम बताते हैं आपको। फिर से हम उसी स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल डालते हैं और ये कंट्रोल में भी हम डेटा फील्ड डालते हैं और डेटा फील्ड में डाल देते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस और इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साथ का फॉन्ट लगा दिया। अब इसके बाद डेसिमल यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं, डेसिमल हमें नहीं। अब ये ट्रांजेक्शन प्राइस हम यहाँ पे अगर दिखाते हैं तो एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कस्टमर को डायरेक्ट पता चल जाएगा ये प्राइस हमारे पास डायरेक्ट दिख रही है, तो इस तरह से अपने को नहीं दिखाना है। एक बार मैं प्रीव्यू फिर से दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे 450 रुपये लिख के आ रहा है, तो 450 रुपये खरीदी तो है लेकिन अगर हमें ऐसे ही दिख गया तो मतलब नहीं है। तो लोगों को क्या चाहिए रहता है कि इसको कुछ इस तरह से डिकोड कर दो, इनकोड कर दो, ताकि वो अपने को दिख समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है अप्लाई इनकोडिंग। जब भी अप्लाई इनकोडिंग होगा तो यहाँ पे आपको उसको टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा कि जीरो के लिए क्या लिखना है, ए वन के लिए क्या लिखना है, बी के लिए क्या लिखना है, वो उस तरह से आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने समझो डाल दिया ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर करके हमने डाल दिया तो 450 का मतलब हो गया सी के आर। 450 का मतलब हो गया सी के आर। एक बार चेक कर लेते हैं सी के आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सी के आर दिखेगा। अब सी के आर से उनका इंटरनल टीम ये समझ जाएगा कि इसकी खरीदी कितने है, अगर वो कोई 500 रुपए में मांग रहा है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, वो पता चल जाएगा। मतलब सामने वाला बार्गेनिंग कर रहा है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो उस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये कोड के हिसाब से कि देना है या नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा होता है कि ओनर खुद नहीं चाहता कि मैं सेल्समैन को खरीदी का भाव बताऊं। ओनर ये खुद नहीं चाहता है कि सेल्समैन को हमारा भाव बारकोड के ऊपर पता चले, तो वो लोग क्या करते हैं उस पर ओवरहेड चढ़ाते हैं। ओवरहेड मतलब 20% ओवरहेड चार्जेस चढ़ाते हैं कि भैया हमारा दुकान का लाइट का 20% एटलीस्ट हमारा खर्चा है, तो उसको चढ़ा के बताओ। तो अगर उसके हिसाब से 450 के हिसाब से ओवरहेड 20% चढ़ाते हैं तो 90 रुपीज और ऐड हो जाएगा। 90 रुपीज ऐड होने का मतलब ये हो गया कि 540। अगर हम उस पे ओवरहेड चलाने का ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओवरहेड चढ़ाने का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। ओवरहेड चढ़ा के अगर कोड को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो और यहाँ पे 1.2 कर दो, ओवरहेड ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। अब 450 प्लस 20% अगर करते हैं तो 540 होता है। 540 पहले सी के आर आ रहा था, अभी के सी आर हो जाएगा। अभी के सी आर हो जाएगा, ये देखिए के सी आर। अब ये जो के सी आर है तो ये फिर से आपको वहां पे दिखेगा क्योंकि हमने उसमें से 20% इंक्रीज कर दिया है। अब ये 20% इंक्रीज हो गया, तो अब आपको यहाँ पे केसीआर दिखेगा। केसीआर का मतलब 540 हो गया, 450 को 540 कर दिया 20% ऐड करके। तो इस तरह से ओनर की जो प्राइस होती है, एक्चुअल खरीदी प्राइस होती है, उसको भी उस पर 20% एडिशनल चार्जेस लगा के आप उसको सेल्समैन को दिखा सकते हो, ये 540 हमारी प्राइस है, इसके नीचे नहीं बेचना। तो इस तरह से क्योंकि जहां पे रिटेल्स होते हैं तो वहां पे परचेज वाला अलग बंदा होता है, बारकोडिंग वाला पैकिंग वाला अलग होता है, और डिस्प्ले पे लगाने वाला सेल्समैन होता है, फिर दिखाने वाला अलग होता है। तो इस तरह से अलग अलग बंदे होते हैं और एक दूसरे को कोरिलेट ना कर पाए, इसके लिए ये सारी चीजें हमने आपको बताई। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होगा, दिस इज एन इमेज करके लिख के आया है, तो ये केवल प्रीव्यू के लिए आता है, प्रिंट में अगर करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। अब ये रहा पैरामीटर वाइज बारकोड का डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। ऐसे ही सिंपल इनवॉइस का करना है तो उसके लिए सिंपल है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। आपको सिंपल करना है तो यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो यहाँ पे और उसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे केवल आइटम वाली ले लो और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो, तो ये सिंपल बारकोड हो जाता है। इसी तरह से कंपोजिट बारकोड करना है। कंपोजिट बारकोड के लिए क्या करना है आपको, प्रोडक्ट का कोड प्लस पैरामीटर। अगर कंपोजिट बारकोड लेना है यहाँ पे कंपोजिट ले लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो, यहाँ पे रेमंड करके नाम डाल दिया, बिजी डेटा फिक्स विड, नंबर ऑफ कंपोनेंट दो, आइटम का कोड 4 डिजिट और पैरामीटर 1 वैल्यू 2, बस हो गया, ये कंपोजिट बारकोड हो गया। इसका भी बारकोड प्रिंट कर सकते हो,
और इसका बारकोड अगर प्रिंट करना है तो सबसे पहले ये जो हमने प्रोडक्ट शर्ट बनाई थी वो शर्ट में LIC डालना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हमने LIC ही बारकोड जनरेट किया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं YES101 और इसको हमने सेव कर लिया। अगर हमें कंपोजिट बारकोड यहाँ से डिजाइन करना है तो फिर से हम वही कंपोजिट वाले पे जाते हैं और यहाँ पे कॉन्फिगर बारकोड पे क्लिक कर देते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखना बारकोड उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। परचेज ये तो BCN वाला बारकोड है, ये वाला बारकोड ये वाला लेना है यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर प्रीव्यू करेंगे। तो आप ये 15 बारकोड है, ये YES101 जो है प्रोडक्ट का कोड है, 38 उसकी साइज है। तो 5 38 के हैं, 5 40 के हैं और 5 42 के हैं, इस तरह से ये बारकोड आ गए। तो इसी तरह से आप बारकोड डिजाइन कर सकते हैं, बारकोड स्कैन कर सकते हैं, बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम QR कोड का बताएंगे। QR कोड कैसे डिफाइन कर सकते, बारकोड में इनबिल्ट ऑप्शन होता है QR कोड का, अगर उसको डिफाइन करना है तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं। जैसे ये BCN है, ये कन्फिगर किया, अब यहाँ पे डेटा फील्ड है, यहाँ पे QR फील्ड भी ले सकते हो। QR कोड किस चीज की लेनी है यहाँ पे आप ले सकते हो, बारकोड का नंबर का लेना है या कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी फील्ड लेनी है, लिमिटेड फील्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ये QR कोड बन जाएगा। अब हम देखेंगे QR कोड अगर इनवॉइस वगैरह में प्रिंट करना है तो हम उसको किस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। UPI के लिए हमने लास्ट टाइम में बताया था, तो जिसको चाहिए वो UPI का वीडियो भी देख सकता है। उसमें हमने हर एक पैरामीटर के एक्सप्लेनेशन भी की है कि इसमें कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैरामीटर किस लिए यूटिलाइज किया जाता है और उस पैरामीटर में कौन कौन सी फील्ड्स मैंडेटरी है वो भी हमने वहाँ पे बताया हुआ है। अब हम QR कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो एक बार देखेंगे, और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं हमारा बारकोड टाइप डिजाइनिंग QR कोड पॉइंट ऑफ सेल पैरामीटर एंड सीरियल नंबर। अभी हमारा QR कोड और सीरियल नंबर दो चीजें पेंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं QR कोड पे। अगर हमें इनवाइस में QR कोड बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमने समझो एक नया फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे गए हेडर में गए, यहाँ पे जब हम F4 करते हैं तो यहाँ पे QR कोड का एक ऑप्शन होता है। QR कोड में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फॉर्मेट का, एक फिक्स विड्थ का, फिक्स मैटर का। अगर फिक्स मैटर में करना है तो आपको स्पेस यूटिलाइज नहीं करना है यहाँ पे, जैसे T करके आप डालोगे और यहाँ पे डाल दो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अब यहाँ पे एक एज में प्रिंट आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे
और प्रीव्यू देखने के साथ साथ में हम इसको स्कैन करके भी चेक करेंगे ये बराबर है या नहीं है। तो एक बार हम इसको बड़ा करके स्कैन करके भी देखते हैं क्या आ रहा है, तो उससे ये पता चलेगा कि ये बराबर है या नहीं है। नॉर्मली प्रीव्यू में जैसे अगर आप इसको स्कैन करोगे एक कोई अलग टाइप का ही बारकोड आता है, तो ये आपको यहां से नहीं देखना है बल्कि इनवॉइस का प्रीव्यू से देखना रहेगा, तो फिर आपको वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। अभी यहाँ पे भी हमने कल ब्लॉक किया था, इसको भी हमें इनेबल करना पड़ेगा कि दूसरा फॉर्मेट सिलेक्ट कर सके। यहाँ से हमने इसकी फ्रीजिंग निकाल देते हैं एक बार। अभी इस इनवाइस को हमने प्रीव्यू किया, ये वाले को प्रीव्यू देख के हम उसको स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं उसमें बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे और पाएंगे ये बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब इसको स्कैन करने के लिए प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं, वहां से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं ऐप यूज करता हूँ प्ले स्टोर से, वो QR एंड बारकोड स्कैन करके ही ऐप का नाम है, उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको पे एंड स्कैन पे अगर हमें करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो हमें ये वाला जो बारकोड है, एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम यहीं पे डाल दें, दूसरा ऑप्शन होता है इसको कहीं दूसरी जगह डाल के कॉल कर लें। अगर हमें यहाँ पे ही डालना है तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से डाल सकते हैं। एक मिनट में अगर यहाँ पे UPI डायरेक्ट डाल देंगे तो भी आप स्कैन कर सकते हो। अगर UPI डालना है तो हम नॉर्मली जैसे वहां पे डालते हैं वही चीज हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक करके UPI यहाँ पे स्लैश नहीं चल रहा है तो हम कीबोर्ड वाला स्लैश यूज कर लेते हैं एक बार। ये कीबोर्ड आ गया, यहाँ पे कर्सर को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे डबल बैक स्लैश दो बार लगेगा, एक बार और लगेगा।
और इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। यूपीआई के बाद आपको डालना रहता है पे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आ रहा तो हमने यहाँ से डाल दिया। कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद आपको करेंसी डालनी है, करेंसी फिर के बाद एम्पर सेट, एम्पर सेट के बाद जिसका अकाउंट रहेगा उसका नाम, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। इसके बाद आपको फिर से एम्पर सेट डालना है यहाँ पे, फिर आपको एक अकाउंट ये आपका पे नेम रहेगा, ये पे अकाउंट रहेगा। पे अकाउंट में जो आपका अकाउंट आईडी है, यूपीआई आईडी है, वो आप डालेंगे। और अमाउंट अगर फिक्स करना है तो अमाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, भी यहाँ पे हमने 999 डाल दिया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बाकी ये आगे का वैसे रहने दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो होता है ये साइज के लिए मेंशन किया जाता है, अगर क्यूआर कोड की साइज को प्लस माइनस करना है तो ये आप प्लस माइनस कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट 1 लिखा है, इसका मतलब वो 1 इंच के रेक्टेंगल में प्रिंट होगा, स्क्वायर में, सॉरी रेक्टेंगल में नहीं, स्क्वायर में प्रिंट होगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं और फिर से देखते हैं कि इसको स्कैन करने से क्या 999 रुपए का पेमेंट किसी अकाउंट को ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। आप इस क्यूआर कोड को आप गूगल पे, पेटीएम, जो भी एप्लीकेशन है उस पे आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूं, तो इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, वो हमने चेक भी कर लिया। आप लोग करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड की सेटिंग आप कर सकते हैं। इसी चीज को अगर आपको दूसरे फाइल में रखना है और वो फाइल के नाम से कॉल करना है तो इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मैटर है, जो ये वाला मैटर है उसको हम दूसरे फाइल में डाल देंगे इतना, और यहाँ पे एफ कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट का नाम डाल देंगे हम, जो फॉर्मेट का नाम यूपीआई करके हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट यूपीआई करके क्रिएट कर लेंगे और इस पे हेडर में ये चीज डाल देंगे। बस बस इतना सा केवल काम करना रहता है। अब आपका ये भी फॉर्मेट रेडी हो गया, आपको उसमें 2 फॉर्मेट हो गए, एक क्यूआर कोड का हो गया और एक जो टेक्स्ट क्यूआर कोड का है वो कंटेन करता है यूपीआई के फॉर्मेट। अब यहाँ पे ये देखोगे शायद नहीं स्कैन होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब इसमें मिस्टेक क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये QR कोड नहीं स्कैन हो रहा है, ये QR कोड नहीं स्कैन होने का मतलब ये होता है, क्यों नहीं स्कैन हो रहा है, उसका मतलब ये होता है कि जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसमें जो नंबर ऑफ लाइनिंग है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन देना है, बाकी सब में 0 कर देना और फिर से सेव कर देना है।
फिर से हम इनवाइस के फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से वो चीज चेक करेंगे। अभी देखोगे आपको वो चीजें बराबर मिलेगी। फिर से हम चेक करते हैं, थोड़ा सा हमने चेंजेस किया, खाली लाइन की सेटिंग की है, बाकी सब वही फॉर्मेट है। अब आप देखोगे तो आपको ये स्कैन होके मिल जाएगा, पेटीएम और गूगल पे जो भी आप यूज करते हो वहां पे स्कैन कर सकते। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्यूआर कोड का भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सीरियल नंबर पे। हमारे पास एक 10-15 मिनट और बचा हुआ है, सीरियल नंबर उसमें कवर कर लेते हैं, फिर 4 बजे बंद करेंगे, फिर 4:30 बजे चालू करेंगे, 4:30 से 6 चलेगा। उसमें भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, वो लास्ट में मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, सीरियल नंबर वाइज कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे हमने बताया सीरियल नंबर केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूटिलाइज किया जाता है, और सीरियल नंबर इनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वेंटरी और सीरियल नंबर वाला ऑप्शन इनेबल करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक एक करके इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन मेन फीचर्स है वो मैं समझा देता हूँ। इसमें अगर आपको वारंटी ट्रैकिंग, वारंटी मेंटेन करने की जरूरत है तो आप इसको टिक कर लीजिए। आपको सीरियल नंबर वाइज डिस्क्रिप्शन इनेबल करना है तो उसको भी आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन हम सीरियल नंबर अभी इनेबल नहीं करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सीरियल नंबर की जरूरत कब पड़ती है, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट है या किसी मोबाइल में डबल सिम है, 3 सिम है, तो लोग IMEI 1, IMEI 2, IMEI 3, IMEI 4 वगैरह भी डालते हैं, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में सेकेंडरी, थर्ड और फोर्थ वाला IMEI वहाँ पे टाइप करके डाल सकते हो या स्कैन करके डाल सकते हो। उससे क्या होगा, जब भी आप प्राइमरी IMEI अगर स्कैन करोगे, क्योंकि IMEI स्कैन करने से बाकी सारे कोरिलेटेड होते हैं, वो जैसे ही आप स्कैन करोगे तो प्रिंट में भी आपको चारों, अगर 4 IMEI है या 4 सिम लगती है तो चारों के डिटेल आपको वहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। अब अगर हम इसकी इनवर्ट की बात करें, यहाँ पे हमने एक F3 किया, F3 करके एक प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया, कोई भी एक एक आइटम शायद होगा भी ये वाला। इसी फीचर्स में हम गए और यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन इनेबल कर लिया। यहाँ पे वारंटी के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया 12 महीने की वारंटी है, ये वारंटी हो गया। अब यहाँ पे स्टॉक 10 पीस है तो 10 पीस का आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं क्योंकि हमें सीरियल नंबर नहीं डालना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं 5 पीस या 2 पीस, तो जितनी भी क्वांटिटी हम यहाँ पे डालेंगे उतनी लाइन का विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। यही चीज अगर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह इनेबल करना है तो डिस्क्रिप्शन में ही इनेबल कर सकते हैं, और इसका कैप्शन वगैरह चेंज करना है तो कैप्शन भी चेंज कर। अब हम आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे इनेबल करके दिखा देते हैं, उसे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इनेबल कर लिया, 4 डिस्क्रिप्शन आ गया, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो।
जब यहाँ पे ये विंडो खुलेगा तो इस तरह से आपका विंडो आ जाएगा। अब इसका अगर हमें सीरियल नंबर में IME1, सीरियल डिस्क्रिप्शन वन में IME2 डालना है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट की, और उसको हम कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आइटम सीरियल नंबर को हमें डालना है IME1, और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे IME1 हो गया, और जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट था, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट को हमें कैप्शन चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे ही मिलता है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। जैसे ये दिख रहा है हमने डाल दिया IME2, IME3, जो भी डालना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे आप डालेंगे उसी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे हमने डाल दिया ABC 1 2 3, यहाँ पे डाल दिया LMN 1 2 3, ABC 1 2 4, LMN 1 2 4, ABC 1 2 5, तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको जब भी आपको सेल करना है तो सेल के टाइम पे भी जैसे हमने कंपोजिट बारकोड स्कैन करना है, यहाँ पे ABC 1 2 3 डाला, इसका काम खत्म आ जाएगा। आप यहाँ रेट यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि रेट हमने वहाँ पे नहीं डाला है, अगर रेट डालते तो रेट भी आता था। यहाँ पे समझो हमने रेट भी डाल दिया, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ये देखो 2500 रुपये आ गया। तो जो भी डालोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसका प्रिंटिंग में आपको क्या क्या इनेबल करना है वो भी आपको यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें सीरियल नंबर का प्रिंट आउट नहीं आएगा, लेकिन सीरियल नंबर अगर आपको प्रिंट करना है तो स्टैंडर्ड में यहाँ पे सीरियल नंबर का ऑप्शन दिया होता है प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे यस करोगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। अब ये हमने इनेबल कर दिया तो ये आपका प्रिंट में आ सकता है। अब सीरियल नंबर इनेबल करने के बाद आपको सीरियल वाइज बारकोड भी प्रिंट करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे प्राइमरी सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया, प्राइमरी IMEI नंबर, सेकेंडरी IMEI नंबर चाहिए तो कस्टमाइज करके डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 डाल सकते हो, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन 1, तो वो भी आ जाएगा। वो इनवॉइस के कस्टमाइजेशन का पार्ट है। ये हो गया आपका सीरियल नंबर का पार्ट। तो सीरियल नंबर में एक और भी पार्ट होता है वारंटी ट्रैकिंग का, वारंटी ट्रैकिंग करना है तो भी आप काम कर सकते हो। तो ये सीरियल नंबर और पैरामीटर ये हमने अभी देख लिया।
अब सीरियल नंबर में जो वारंटी ट्रैकिंग है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, वो कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आपको वारंटी मेंटेन करनी है और वारंटी की ट्रैकिंग करनी है, तो यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट मिलता है वो इतनी रिपोर्ट मिलेगा। देखिए सीरियल नंबर वाइज स्टॉक का, सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री, सीरियल नंबर वाइज एजिंग। अगर आप एंटरप्राइज के फीचर्स में वारंटी ट्रैकिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे एक फीचर्स होता है वारंटी ट्रैकिंग का, ये वाला फीचर्स अगर आप इनेबल करते हैं, तो हर एक मास्टर में आपके पास एक ऑप्शन और भी इनेबल होता है कि ये प्रोडक्ट ईएमसी वाला है या वारंटी वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट ओपन किया, तो यहाँ पे आपको एक इस कॉन्ट्रैक्ट आएगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा वारंटी, और वारंटी आपकी है 12 महीने की। और जैसे आप इसको सेल करते वक्त सेव करोगे, ये बेसिकली आपको तब काम में आएगा जब किसी को लैपटॉप प्रिंटर वगैरह सेल करते हो, तो वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव करते वक्त आपको एक नया विंडो खुलेगा, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना रहेगा इसका वारंटी वगैरह क्या है। अभी जैसे ये 8 नंबर का बिल है, तो मैं 8 नंबर डाल दिया। कौन सा आइटम है, ये बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, ये लोड डिफॉल्ट करोगे तो भी आ जाएगा, डालने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। और कब खत्म हो रहा, 23/8/2022, सीधा सीधा 1 साल के बाद। और इसको सेव कर दिया। इसके बेस पे आपको एक रिपोर्टिंग एडिशनल मिल जाती है यहाँ पे, एएमसी एंड वारंटी डिटेल। ये एक अलग टाइप की रिपोर्ट है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक साल के बाद इसकी एएमसी वगैरह होती है, तो एएमसी भी आप डाल सकते हो। जैसे ही एएमसी डालोगे, ये ऑटोमेटिक जो वारंटी पीरियड है वो एक्सटेंड होकर आगे चला जाएगा, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। फीचर ये बहुत छोटा है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले होते हैं उनकी ये जरूरत होती है, जो एएमसी वगैरह लेते हैं उनकी ये नीड होती है, तो वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते। आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और आप लोगों के इसको कोई क्वेरी है तो उसमें आप पूछ सकते हो। इसमें आपको अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, तो उसको मैं एक बार रिपीट भी कर सकता हूँ।